हरियाणा व पंजाब के किसानों ने मिलकर 25 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया था। इसकी एक छोटी सी झलक आज पानीपत में भी देखने को मिली। बता दें कि पूरे हरियाणा व पंजाब में किसानों का तीनों अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेजी पकड़ रहा है। पहले तो सभी को आपको सबको नमस्कार। सरकार झुकना, ये तानाशाही सरकार है, गरीब मजदूर किसान विरोधी सरकार है। ये अध्यादेश जो लाई है देश, जब 2011 में कांग्रेस लाई थी तब बीजेपी ने विरोध किया था, उसी कड़ी में आज इन्होंने लगाने का काम करें, क्योंकि आप जानते हो किसान विरोधी इसलिए है, आज किसान 36 बरादरी से, और इस सरकार ने हमेशा एक दूसरे को लड़ाने का काम करा, जिस कारण आज हम किसान अपनी फसल बेचना चाहे, व्यापारी खरीद सकता है, परंतु बेचने का हमें अधिकार दे दिया, एक समझौता हो गया, अधिकारी तोड़ने का समझौता कर सकता है, किसान नहीं कर सकता। और आज इस कड़ी में आप जो बंद करने का है, आज कोई भी हिंदुस्तान हरियाणा का किसान कोई मंडी में नहीं है, कोई दुकानों पर नहीं है, तो आज हमने उस बंद का ऐलान किया, शांति पूरे बंद का ऐलान, परंतु सरकार ये चाह रही है कि किसान आंदोलन करें। हम उस उग्रवाद आंदोलन से नहीं खुश, हम सरकार से ये प्रार्थना है और हम उन्हें चेताना चाहते हैं कि ये अध्यादेश वापस लेने का काम करें, और जो भाईचारा पहले था उस भाईचारे में कृषि जैसे धान किसान बेचता था, फसल कोई भी बेचता था, उसी तरीके से चलता रहना चाहिए, परंतु यह अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी। परंतु इस महामारी के अंदर भारत सरकार ने एक ऐसा हर 3 महीने में 15 दिनों में एक नया फार्मूला लगा रही है देश पे, जो कि एक घातक सिद्ध होगा, इस सरकार को भी घातक सिद्ध हो। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा, आने वाला कहीं भी विधानसभा का हो, चुनाव हो चाहे लोकसभा का हो, इनके खिलाफ वोट डालने का काम करें। आज तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, आज हमें अधिकार एक वोट का दिया, उस वोट के अधिकार से जब इनको मारेंगे तो अपने आप चित हो जाएंगे और सरकार वह फैसला बदलने का काम करेगी। आने वाली जो सरकार होगी, जो किसानों की मजदूरों के व्यापारियों की बात सुनेगी, उसको आगे लाने का काम करेंगे।